आप लोग कैसे हो, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मॉर्निंग हो चुका है और ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा अभाव था। और अभी देखिए किचन में हूँ और नाश्ता वगैरह बनाने जा रही हूँ। और देखिए आप लोग के घर पे भी बनता होगा जो है, जो कि मटर का बनाया है, बहुत ही अच्छा है। गाइस सर्दी में तो और कोई बनाता होगा ऐसे। अभी तो चाय बन रहा है, इधर अभी दूर है। और उन्होंने देखिए आर ओ से पानी कैसे निकाल कर अपने आप से। तो देखिए नूना काफ़ी ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ को लेकर शैतानी करता है। और यही सब है, मॉर्निंग हो चुका है और पहले नाश्ता वगैरह बना के दे देते हैं, फिर उसके बाद कोई काम आगे करते हैं। और बात कर लेते हैं कि थोड़ा यूट्यूब पे जो चल रहा है आजकल लोगों का, फिर से पंगा बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो सफाई देने का हर किसी का हक होता है और वो सफाई देना चाहिए आप लोग को। उससे अच्छा से अच्छा लॉ करिए जो कि वकील अच्छे तरीके से प्रशासन से जाकर अपना बात रखे, आप भी रखें, और उसकी जो भी धाराएं हैं उसे माफ़ करने की या फिर उसे हटाने की बात करें। जैसा कि आप लोगों कोई लोग बोल रहे हो कि हमें प्रशासन पे विश्वास नहीं है, आप लोग को कुछ हो तो न्याय मत मांगना। अगर प्रशासन पे विश्वास नहीं होगा तो न्यायाधीश किस लिए बनेगा? हर कोई बात कोई भी, चाहे किसी के अगर छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी हो, चाहे कोई भी इवन बात हो जाए, वो प्रशासन की बात करता है, पुलिस की बात करता है, कानून की बात करता है, कोर्ट की बात करता है, चाहे नेता हो, चाहे भी नेता हो, चाहे आम पब्लिक हो। तो ऐसा मत बोलिए कि आप लोग प्रशासन से ये वो, ये सब नेगेटिव है, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए आप लोग को अपने काम पे। और आप लोग के ऊपर अगर कोई आरोप लगा है तो उस पर ध्यान दे के उसे जल्द से जल्द, कोशिश यही करिए कि आप लोग को न्याय मिले, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी किसी को गलत बोलने से या गलत ठहराने से ये कोई निष्कर्ष नहीं है और ना ही इसका हल है कोई। बाकी आप लोग की थिंकिंग है कहीं ना कहीं एक तरीके से कि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना जाने सुने किसी को कुछ बोल देना या कह देना ये सब गलत है, नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का दायरा होता है और उस दायरे में अपने आप को रहना चाहिए। और क्या बोल सकती हूँ, और यही सब बोल सकती हूँ गाइस। बोलने का तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ये निर्दोष है वो निर्दोष है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई निर्दोष नहीं है। सारी वीडियो सारे फुटेज हर एक किसी का बता रहा है कि किसका कितना कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। और ये कानून का प्रक्रिया है, कानून किस पर फैसला करेगा विषय उसका है, फिलहाल हमारा और किसी और का नहीं है। तो गाइस वीडियो को अभी करती हूँ एंड, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।